नमस्कार, मैं हूँ रिंकू यादव, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर प्रीतमपुर अंबेडकर नगर के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ और लेसन फाइव ने शुरू किया था प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, इसमें हमने कुछ एग्जांपल के तौर पे बताया था प्रोबेबिलिटी के बारे में, कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बताया था। ठीक है, और अब इससे हमें बताने एग्जाम्पल के तौर पर बता प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है ये भी बताया था। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो तीन टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? तीन टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोबाबिलिटी प्रोबाबिलिटी आप देखोगे टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन टाइप्स। ठीक, ये पहला है सिक्के से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, दूसरा है पासे से संबंधित, तीसरा है गेंद से संबंधित। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं पासे से संबंधित। जैसे कोई एक सिक्का उछाल दिया, एक बार उछाला एक सिक्का को, क्या एक सिक्का को कितनी बार उछाला? एक बार, एक सिक्के को एक बार उछाला। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो परिणाम आते हैं वो दो ही बार आते हैं। जो परिणाम प्रोबेबिलिटी की जो परिणाम आते हैं वो दो आता है। कैसे? जैसे दो आता है कैसे? एक सिक्के में हेड या टेल हो सकते हैं, क्या? नंबर एक हेड, HEAD, हेड, दूसरा टेल। ठीक है, उसी प्रकार जब दो सिक्के उछाले जाते हैं एक साथ, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक साथ उछाला जाता है, जब दो सिक्के एक साथ उछाला जाएगा तो उसका जो परिणाम जो प्रोबेबिलिटी आएगी, संभावना जो आएगी, उसका जो संभावना का जो परिणाम आ जाएगा वो कितना? दो सिक्के तो चार बार हो सकता है। कितना? चार। परिणाम कितना आ सकता है? चार आता है। ठीक है, अब चार में क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है हेड, ठीक है, फिर हो सकता है हेड, फिर हो सकता है क्या? टेल। क्या हो सकता है? टेल, सॉरी, इस तरह ठीक है, क्या आ सकता है? HT, ठीक है, H आ सकता है, TH आ सकता है, ठीक है, और क्या आ सकता है? TT आ सकता है। ये चार परिणाम, हेड फॉर, यहाँ H फॉर हेड है, T फॉर टेल है। ठीक है, तीसरा, यदि एक संघ में तीन सिक्के उछाला जाए, ठीक है, तीन सिक्के उछाला जाए तो जो परिणाम आते हैं उसका जो परिणाम आता है आठ बार आता है, क्या? आठ बार आएगा। ठीक है, इसका क्या? डबल आ जाएगा। ठीक है, तीन सिक्के उछाले जाते हैं तो क्या आ जाएगा? डबल आ जाता है। कैसे? ये मान लीजिए, देखिए पहले उछाला जाएगा तो क्या आ जाएगा? ठीक है, पहले मान लेते हैं H H T H H, तीनों H H आ गया। ठीक,
पहला, दूसरा हम मान लेते हैं क्या आ जाएगा, एच एच, हेड हेड और टेल आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा, आप ऐसे बनाओ, हेड टी एच आ जाएगा, हेड टेल एच आ सकता है। और उसके बाद चौथा आ सकता है हेड टी टी, यानी चित्त पट पट, ठीक है। पांचवा पांचवा आ सकता है क्या, कि टी एच एच आ सकता है, इसका सेम उल्टा कर दो। फिर उसके बाद छठा आ सकता है टी एच टी आ सकता है, टी एच टी आ सकता है। सातवा आ सकता है कि टी टी एच आ सकता है। आठवां आ सकता है ट्रिपल टी आ भी आ सकता है, ठीक है, इस तरह आ सकता है। ये सिक्के उछालोगे इतनी बार आएगा, ठीक है। और अब जो है दूसरा, पासे से संबंधित यदि आप करोगे तो देखोगे कि एक, यदि एक पासा, यदि एक पासा एक बार उछालते हो, एक पासा जब एक बार उछालोगे तो परिणाम जो आएगा, जो उसकी संभावना आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, यही आने की संभावना संभवतः होती है। या तो एक आ सकता है, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो छह। दूसरा, दो पासा जब एक साथ उछाला जाता है, दो पासा एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है, तो उसकी जो संभावना का परिणाम है, ठीक है, वो लगभग 36 बार आ सकता है। कितना, 36 बार। परिणाम क्या आता है, 36। परिणाम क्या हो जाएगा, 36 बार आ सकता है, ठीक है। ये पासे से हुए, और उसके बाद ये आ गया नंबर तीन, गेंद से रिलेटेड। गेंद से, जैसे इसमें कह दिया कि एग्जाम्पल के तौर पे, एक थैले में 2 लाल 6 पीले 8 हरे गेंद है, ठीक है, हरे गेंद है। तो हरे गेंद, पीले गेंद की, तो पीले गेंद की प्रायिकता बताइए, प्रायिकता या संभावना बताइए, संभावना बताइए। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर क्या कहा, एक थैले में इतने गेंद है, तो आप क्या करोगे, जिसकी संभावना है लाल गेंद की, सॉरी पीले गेंद की, पीले रंग की गेंद की संभावना जो हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल टू, चलो हाँ, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवेंट बटा, यह कितने आने की संभावना क्या है, जो अनुकूल स्थित है, अनुकूल परिणाम जो है, परिणाम बटा कुल परिणाम जो होता है, कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या है, कि प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, पीले रंग की गेंद की पूछ रहा है, तो पीले रंग की गेंद कितना है, आप देखोगे पीले रंग की गेंदों की संख्या 6 है, और कुल परिणामों की संख्या क्या है, कुल परिणामों की संख्या जो दिया है वो 2 प्लस 6 प्लस 8 है, बस 6 बटा 8 6 14 14 2 16 है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 6 बटे 16 यानी कटेगा, 2 से काटो 2 3 6 2 8 16 3 बटा 8, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3 बटा 8। यदि आप भाग दोगे तो दशमलव हो जाएगा, उसके बाद 6 24 हो जाएगा, तो दशमलव 6 पर क्या है,
उसके बाद 57 56 7 चला जाए, यही प्रॉबिलिटी है उसकी 0.675 किसका पीले रंग के गीत की आने की संभावना है। ठीक है, हमने इसे तीनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सिलेबस संभवतः तीन ही प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है अब एक्सरसाइज आपको पढ़ाएंगे हम, अभ्यास पढ़ाया जाएगा। अभ्यास में कुल कितने क्वेश्चन हैं मैं देख रहा हूँ, 6 क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना है, और आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।